व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर कई महीनों की अटकलों के बाद अब उन्हें दिल का दौरा पड़ने की खबर सामने आई है। इस खबर को टेलीग्राम ग्रुप जनरल SVR ने साझा किया है। इस संगठन का दावा है कि ये रूस में रिटायर्ड खुफिया अधिकारियों और क्रिमिनल के अधिकारियों से जानकारी निकालते हैं। खबर के मुताबिक पुतिन को रविवार रात करीब 9:05 पर बेडरूम के फर्श पर खाने पीने की चीजों के पास से गिरा हुआ पाया गया, जब उनके सुरक्षा कर्मियों ने शोर और राष्ट्रपति के फर्श से टकराने की आवाज सुनी तो वो कमरे में पहुंचे। जनरल SVR टेलीग्राम ग्रुप ने लिखा, संभव है जब राष्ट्रपति पुतिन गिरे तो मेज पर रखे बर्तनों पर हाथ लगा होगा और उनकी शोर सुनकर ही सुरक्षा अधिकारी कमरे में आए। टेलीग्राम ग्रुप ने आगे कहा, जब पुतिन फर्श पर गिरे हुए थे तब उनकी आंखें पलटी हुई थी। बगल के कमरे में राष्ट्रपति पुतिन के डॉक्टर को बुलाया गया, तत्काल उपचार मिलने के बाद पुतिन होश में आए। इसके बाद पुतिन को एक दूसरे कमरे में ले जाया गया जहां स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध थी। वहीं आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति कैंसर सहित कई दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं। टेलीग्राम ग्रुप जनरल SVR ने दावा किया है कि पुतिन के स्वास्थ्य को देखते हुए डॉक्टरों ने कहा है कि वे सर्दियों के बाद जीवित नहीं रह पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ने दावा किया है कि दिल का दौरा पड़ने की घटना के बाद पुतिन के कई करीबी लोगों ने फोन कर एक दूसरे से संपर्क किया और आने वाले दिनों में राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर संभावित कार्रवाई के बारे में बात करने का फैसला लिया। अब डॉक्टर की बातों में कितनी सच्चाई है इसका अभी कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए।